फिल्म की शुरुआत में हम एक आदमी बिली को दिखाया जाता है जो दूसरे आदमी सिल्वर जो जहाज में रखे खजाने की कैलकुलेशन कर रहा था उससे कहता है कि तुम्हें हमारे कैप्टन फ्लिंट बुला रहे हैं। जिसके बाद सिल्वर ऊपर आकर कैलकुलेशन वाली बुक फ्लिंट को दे देता है और उससे सवाल करता है कि हम जब आइलैंड पर पहुंच जाएंगे तो इस खजाने को कितने हिस्से में बांटेंगे। पर उसके सवाल का जवाब ना देते हुए फ्लिंट उसे ढकल कर दूर कर देता है और फिर फ्लिंट के साथ ही सिल्वर और उसके साथियों पर गन तान देते हैं। इस पर फ्लिंट कहता है कि आइलैंड पर जाकर मैं तुम्हें एक भी सिक्का नहीं दूंगा। जिस पर सिल्वर कहता है कि हमारे लोग उन्हें खजाने को प्राप्त करने में बहुत मदद की है, आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन वो उसके पैर पर गोली मार देता है जिसके बाद सिल्वर और उसके साथी एक जॉली बोट पर सवार होकर समुन्द्र में उतर जाते हैं और गोली लगने के कारण सिल्वर को अपना पैर काटना पड़ता है जिसके बाद ये सीन यही कट हो जाती है। अगले सीन में हम एक लड़के जिम और एक डॉक्टर लिवसी को देखते हैं जो जिम की माँ मैक से कह रहा होता है कि तुम्हारे पति मेरे अच्छे दोस्त थे और उनकी मृत्यु पर मुझे भी खेद है, यदि किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना। जिसके बाद वहाँ से चला जाता है। जिम और मैग दरअसल एक होटल चलाते हैं जिनसे उनका गुजर बसर होता है और रात को जब मैग और जिम अपने होटल में बैठे होते हैं कि तभी वहाँ एक आदमी बिली आ जाता है जो उनसे कमरा मांगता है जिसके बदले वो उन्हें कुछ सिक्के देता है। जिस पर जिम उसे उसका कमरा दिखाता है जहाँ बिली जिम से कहता है कि कोई भी मेरे बारे में पूछने आए तो किसी को कुछ मत बताना, इसके बदले मैं तुम्हें रोज एक सिक्का दूंगा, जिस पर वो मान भी जाता है। अब अगले दिन जिम बिली की तलवार लेकर तलवारबाजी करने का अभ्यास कर रहा होता है कि तभी वहाँ एक आदमी ने ब्लैक आ जाता है जो उसे कहता है कि ये तलवार बिली की है, बताओ मुझे वो कहाँ है वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। दरअसल ब्लैक सिल्वर के साथियों में से था और बिली फ्लिंट के जिम उसे बिली के पास लाता है जहाँ ब्लैक बिली से कहता है कि मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं बल्कि बात करने आया हूँ, इसलिए वो दोनों टेबल पर बैठ जाते हैं। ब्लैक उससे पूछता है कि फ्लिंट का खजाना कहाँ है, जिस पर बिली डरते हुए कहता है कि जब हम आइलैंड पर गए थे तो फ्लिंट ने सारा खजाना जमीन के नीचे दबा दिया और एक नक्शा बनाया कि खजाना कहाँ रखा गया है। जिस पर फिर ब्लैक उससे नक्शे की मांग करता है लेकिन बिली कहता है कि मुझे खुद नहीं मालूम और फिर वो उसके हाथ में चाकू से स्टैब करके उसे भगा देता है। फिर ब्लैक सिल्वर के पास आकर उसे सारी बात बता देता है जिस पर फिर वो अपने एक अंधे साथी प्यू को जिम के पास भेजता है। प्यू जिम के पास आकर कहता है कि मेरी मदद करो, मैं अपने घर का रास्ता भूल गया हूँ। और जैसे ही जिम उसके पास आता है प्यू उस पर चाकू रख के बिली के पास ले जाने को कहता है और वो बिली के पास आकर उसके हाथ में एक पेपर देकर वहाँ से चला जाता है। अब पेपर देखकर बिली कहता है कि वो सभी यहाँ मुझे मारने आ रहे हैं, जिससे वो एकदम डर जाता है और डर के मारे उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। इस पर फिर मैक कहती है कि इसके बक्से में कुछ सिक्के होंगे, हम उसे ले लेंगे जिससे तुम्हारा पिता का कर्जा भी चुक जाएगा, इसलिए वो दोनों लिवसी के पास जाते हैं ताकि वो उनकी मदद कर सके। लेकिन वो मना कर देता है पर वो जिम को अपनी गन दे देता है ताकि जरूरत पड़ने पर वो इसका प्रयोग कर सके। अब दोनों घर आकर बिली के गले से चाबी निकाल लेते हैं और उसके बक्से को खोलकर सिक्के ढूंढने लगते हैं जहां उन्हें कुछ सिक्के भी मिल जाते हैं। पर अब मैं कहती है कि ये सिक्के यहाँ नहीं चलेंगे। पर तब तक होटल में सिल्वर और उसके साथी धाबा बोल देते हैं। वहीं इधर जिम को उसके बक्से से खजाने का नक्शा भी मिल जाता है और अब वो दोनों घर से बाहर भाग जाते हैं। पर दुर्भाग्य से सिल्वर के साथियों को भी मालूम हो जाता है कि जिम के पास नक्शा है, इसलिए अब वो उनके पीछे पड़ जाते हैं। पर तभी फ्यू जिम को पकड़ लेता है लेकिन भाग्य से वहाँ लिवसी घोड़ा गाड़ी पर सवार होकर आता है जो प्यू को कुचल देता है, जिसके बाद वो जिम और मैक को अपने घर लेकर आता है जहाँ जिम लिवसी को नक्शा दिखाकर कहता है कि मैंने बिली को बात करते हुए सुना था कि इस नक्शे के अनुसार यहाँ फ्लिंट ने अपना सारा खजाना छिपाया है। अब ये सुनकर लिवसी हैरान और खुश भी हो जाता है जिसके बाद वो कहता है कि इससे तुम्हारे पिता का पूरा कर्जा समाप्त हो जाएगा, इसलिए अब अगले दिन वो दोनों गाँव के शासक जॉन के पास आकर उसे नक्शा दिखाते हैं कि नक्शे के अनुसार इस आइलैंड पर फ्लिंट ने अपना खजाना छिपाया है। पर जॉन सवाल करता है कि वहाँ कितना खजाना हो सकता है। इस पर लिवसी उसे वो किताब दिखाता है जहाँ मूवी की शुरुआत में सिल्वर कैलकुलेशन कर रहा था। उस किताब के अनुसार वहाँ कई 100 किलो सोना है। अब ये देखने के बाद जॉन इस सफर पर जाने के लिए राजी हो जाता है और लिवसी और जिम से कहता है कि सारी चीजों का इंतजाम मैं कर दूंगा और फिर कैप्टन भी मैं ही रहूंगा, जिस पर वो दोनों खुश हो जाते हैं। जिम फिर अपनी माँ से कहता है कि मैं खजाना ढूंढने जा रहा हूँ, अगर खजाना हमें मिल गया तो हम अपना सारा कर्ज चुका देंगे,
इसलिए वो उसे जाने की अनुमति दे देती है, जिसके बाद वो बंदरगर पर आ जाता है। लेकिन भीड़ के कारण वो लिवसी से बिछड़ जाता है। तभी फिर रास्ते में किसी चीज के आने के कारण वो नीचे गिर जाता है, जहाँ सिल्वर आकर उसे उठाता है। लेकिन जिम सिल्वर को नहीं पहचानता, इसलिए वो दोनों वहाँ से जिम की नाव के पास आते हैं, जहाँ सिल्वर जॉन से विनती करता है कि क्या मैं और मेरे कुछ साथी इस सफर पर जा सकते हैं, क्योंकि हम बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, आप लोगों को बावर्ची की जरूरत पड़ेगी। जिस पर जॉन उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब रात को जब सभी खाना खा ही रहे होते हैं कि तभी जिम को ब्लैक दिखाई देता है। जिम फिर सभी से कहता है कि ये फ्लिंट के साथियों में से है, जिसके बाद सिल्वर अपने साथियों से उसे पकड़वाने को कहता है, लेकिन तब तक वो भाग जाता है। फिर अगले दिन सिल्वर अपनी पत्नी एलाबाई से कहता है कि मैं फ्लिंट का खजाना लेने जा रहा हूँ, इसलिए तुम गांव जाओ और जिम की माँ के साथ रहो और मैं वापिस आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। और फिर वो उसे थोड़े सिक्के भी देता है, जिसकी आगे उसे जरूरत पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ जहाज में एक और कैप्टन सोमोलेट जॉन से मिलकर कहता है कि तुमने कई लोगों को खजाने के बारे में बता दिया, इसलिए ये सफर बहुत खतरनाक हो सकता है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। पर जॉन बचाव में कहता है कि हमारे पास बहुत सारे लोग है और हमें तुम्हारी मदद चाहिए, मैं तुम्हारे पैसे डबल कर दूंगा, जिस लालच में स्मॉलेट मान जाता है। अब अगले सीन में जॉन अपने टेबल पर नक्शा को साइड में रखकर बाइबल पढ़ रहा होता है, पर तभी वहाँ जिम आकर कहता है कि सब कुछ तैयार है, बस आपकी अनुमति चाहिए समुन्दर में उतारने के लिए। जिस पर अब जॉन जहाज को समुन्दर में उतरवा देता है, जहाँ सभी गाना गाते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। फिर अगले दिन जॉन असली नक्शे की एक कॉपी बना रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ जिम सिल्वर के बाल काटता है, जिसके बदले वो उसे एक सिक्का देता है, जिससे दोनों में दोस्ती होने लगती है। अब रात को जब जॉन के साथी शराब के नशे में धुत होते हैं, तो सिल्वर मौका देख अपने साथियों से कहता है कि समय आने पर हम इस जहाज पर कब्जा कर लेंगे। दूसरी तरफ जॉन स्मॉलेट और लिवसी जब खाना खा रहे होते हैं, तो लिवसी उनसे कहता है कि हमें हमारे खजाने के हिस्से के बारे में बात कर लेनी चाहिए। जिस पर जॉन कहता है कि खजाना तुम्हारा नहीं है, तुम और जिम दोनों को इस काम के बदले पैसे दिए जाएंगे, तुम्हें खजाने में से हिस्सा नहीं मिलेगा। अब ये सुनकर वो दोनों एकदम दुखी हो जाते हैं और अब जिम के टेंशन के कारण उसे वॉमिट हो जाती है, जहाँ सिल्वर उसे संभाल कर अपने कमरे में लाता है और उसे कहता है कि मैंने सारी बात सुन ली कि वो तुम्हें हिस्सा नहीं देंगे, तुम मुझे वो नक्शा दे दो जिस पर मैं तुम्हें अच्छा हिस्सा दूंगा। पर जिम कहता है कि मैं किसी नक्शे को नहीं जानता, और ये कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ एलाबाई मैक के पास आती है और उससे रहने की जगह मांगती है, जिस पर वो उसे अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि अब वो भी अकेली पड़ गई थी। फिर अगले दिन सिल्वर जॉन के साथियों को बहला रहा होता है कि तुम मेरा साथ दो, जिसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारा सोना दूंगा, जिस पर कई लोग उसकी बातों में आने भी लगते हैं। इसके बाद फिर अगले सीन में एक आदमी जो जहाज के ऊपर से नजर रखता था, वो अचानक से नीचे गिरकर मारा जाता है। और फिर ट्रेजर आइलैंड का ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। अब अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है, तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।